महिंद्रा ने कनाडा में कारोबार कर दिया बंद। भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में बढ़ा तनाव। आनंद महिंद्रा ने समेटा कनाडा से अपना कारोबार। आनंद महिंद्रा ने दिया कनाडा को बड़ा झटका। बीते कुछ दिनों से कनाडा और भारत के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है। दोनों देशों के बीच बढ़ती टेंशन का असर कारोबार पर दिखने लगा। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच कारोबारी आनंद महिंद्रा ने भी एक बड़ा फैसला ले लिया। आनंद महिंद्रा इस कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा बेस्ड कंपनी रेसन कॉर्पोरेशन से अपनी साझेदारी खत्म करने का फैसला किया। कनाडा की इस कंपनी में महिंद्रा एंड महिंद्रा की 11.18% हिस्सेदारी है। दरअसल महिंद्रा एंड महिंद्रा की सब्सिडियरी कंपनी रेसन कॉर्पोरेशन ने कनाडा में अपना संचालन बंद करने का ऐलान कर दिया। महिंद्रा का यह फैसला उस वक्त आया जब कनाडा और भारत के बीच तनाव चरम पर है। दोनों देशों के बीच कूटनीति लड़ाई जारी है। ऐसे में लोग महिंद्रा के फैसले को इससे जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि कंपनी ने यह फैसला वॉलंटरी बेसिस पर लिया है। कंपनी के बंद होने से कनाडा की अर्थव्यवस्था को झटका लगेगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कनाडा की कंपनी रेसन से अपने संबंध तोड़ लिए हैं और अपनी 11.18% हिस्सेदारी खत्म कर ली है। दरअसल रेसन ने कनाडा में आवेदन देकर अपना कारोबार बंद होने की घोषणा की है। अब महिंद्रा ने कंपनी से अपने संबंध खत्म करने का फैसला लिया। महिंद्रा ने इसकी जानकारी सेबी को दी है। महिंद्रा को बताया कि उसे रेसन से कंपनी बंद होने की सूचना मिली है। रेसन के बंद होने पर महिंद्रा को 2.8 मिलियन कनाडाई डॉलर यानी करीब 28.7 लाख करोड़ रुपए मिलेंगे। आपको बता दें कि रेसन एरोस्पेस के बंद होने से महिंद्रा के कारोबार पर बहुत असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये खबर ऐसे वक्त आई जब भारत और कनाडा के बीच तनाव चल रहा है। ऐसे में लोग इस फैसले को इससे जोड़कर देख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा की ओर से शेयर बाजार को इसकी जानकारी दी गई। कंपनी ने कहा कि 20 सितंबर से रेसन कॉर्पोरेशन कनाडा में अपना कारोबार बंद कर रही है। इसकी मंजूरी के लिए सभी जरूरी दस्तावेज मिल गए। कंपनी को इसकी सूचना दे दी गई है। इसमें महिंद्रा एंड महिंद्रा ने कहा कि कनाडा बेस्ड कंपनी रेसन कॉर्पोरेशन के वहां अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। तो कैसी लगी आपको हमारी खबर? पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।